जनपद बिजनौर के मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक के गांव जमालपुर पठानी स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में कैंप का आयोजन कर विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त बालक बालिकाओं को किया गया सहायक उपकरणों का वितरण। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव, जिला समन्वयक खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक लियाकत अली के दिशा निर्देशों में परिषदीय विद्यालयों के पूर्व में आयोजित मेडिकल असेसमेंट कैंप में नामित बच्चों को उनके प्रयोग के लिए सहायक उपकरण और उपस्कर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर, MR प्रशिक्षण किट, प्रमस्तिक पक्षघात सेरेबल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए चेयर प्रदान करने के लिए एलिम्को कंपनी कानपुर के सहयोग से मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया, जिसमें नामित बच्चों को उपकरण वितरित किए गए। इस मेडिकल कैंप में जिले के विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांग बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विभाग से डॉक्टर सैयद फरत अली फिजियोथेरेपिस्ट SSA बिजनौर, स्पेशल एजुकेटर उपेंद्र कुमार, हिना आसमा, देवेंद्र कुमार, विजयपाल सिंह, अयूब अली, मुजफ्फर अली, वीरेंद्र कुमार, ARP गुप्ता, विकास क्षेत्र मोहम्मदपुर देमल, मोहित कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर IED, समस्त स्टाफ प्राथमिक विद्यालय जमालपुर पठानी का विशेष सहयोग रहा। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। पठानी में जिला बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक भव्य उपकरण वितरण कैंप का आयोजन हुआ। इसमें समस्त प्रकार के दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों को दिया गया और सुसज्जित किया गया। सभी बच्चों के बच्चे एवं उनके अभिभावक उपकरणों को पाकर बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ पर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलीपर, हियरिंग एड, इस तरह से दिव्यांगों से संबंधित समस्त प्रकार के उपकरण वितरित किए गए। और आगे भी एक कैंप और है जो स्याऊ चांदपुर में है, वहाँ कल उपकरणों का वितरण होगा। पहले इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, अब उन्हें ये उपकरण बांट दिए गए हैं। सभी अभिभावक बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपकरण पाने के लिए अभिभावक आए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने बच्चों को उपकरण दिलाकर बहुत प्रसन्न हैं। और आगे भी दिव्यांगों के लिए ऐसे काम होते रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, उपकरण बंटवाए जाते हैं। इसके अलावा सरकार की समस्त लाभकारी योजनाओं से इन बच्चों को लाभान्वित किया जा सके, इसलिए जिन जिन बच्चों का बेसिक शिक्षा परिषद में एडमिशन है, सरकारी स्कूलों में नाम लिखे गए हैं, उनमें सभी बच्चों को जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बने हुए हैं, उन्हें एस्कॉर्ट अलाउंस के रूप में 6,000 रुपए उनके खाते में आए हैं। इसके अलावा बालिकाओं के लिए भी 2,000 रुपए एक साल में एक बार स्टाइपेंड के आए हैं। इसी तरह से हमारी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर इन पढ़ने वाले बच्चों को, बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। धन्यवाद।